अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है या आप अपने आधार कार्ड को न्यू बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई कार्ड कैसे पा सकते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ओनली 50 रुपीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जहां से आपको आधार कार्ड ऑर्डर करना है उस वेबसाइट का नाम है UIDAI। आपको एंटर करना है तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो आपको दिख रही होगी, उसी पर जाके आपको क्लिक करना है। आपको ओपन करते ही गेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, जहाँ पर आपका आधार कार्ड अपडेट हो सकता है या फिर निकल सकता है, वहाँ का ये एड्रेस आपको बता देगा। बुक एन अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट कराया है या फिर बनवाया है तो आप अपने आधार का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड फोर्थ, आप अपना डाउनलोड करना चाहते हैं आधार कार्ड, काफ़ी सारे रीज़न से लोग फिज़िकल आधार कार्ड नहीं रखना चाहते हैं, अगर वो अपना आधार कार्ड अपने फ़ोन में डालना चाहते हैं, बहुत सारा बर्डन से बचना चाहते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो हमें PVC आधार कार्ड जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है वो ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपसे कहा जाएगा लॉगिन, तो आपको लॉगिन करना है, उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है। जब आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर कैप्चा का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी आपको ऊपर दिख रहा है, BXVTG। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो भी आपका आधार कार्ड बनते टाइम आपका नंबर लिया गया था उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP जनरेट किया जाएगा। जो भी OTP आएगा उस OTP को डालकर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। एंड यहाँ से आप कर सकते हैं अपना आधार कार्ड डाउनलोड, जो आपका PDF फॉर्म में होगा। मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं, तो यहां पर मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। एंड यहां से मैं अपना आधार कार्ड ऑर्डर कर सकता हूं जो PVC फॉर्म में आएगा। एंड देन नेक्स्ट, यहां पर मुझे क्लिक करना है एंड यहां से मेक पेमेंट करनी है, जो कि सिर्फ 50 रुपये होगी। एंड किसी भी UPI फॉर्म में, PayTM फॉर्म में, नेट बैंकिंग फॉर्म में आप अपनी पेमेंट करेंगे और आपका जो भी आधार कार्ड पर नंबर, एड्रेस और नंबर जो भी रजिस्टर्ड होगा, उस नंबर और एड्रेस पर आपका आधार कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।